Hey guys, कैसे हैं आप लोग? आपका मोस्ट वेलकम है लेट्स क्रैक बैंकिंग एग्जामिनेशंस आवर चैनल और हम सारे एजुकेटर के साथ इस एग्ज़ाम को क्रैक करिए। चलिए गाइस शुरू करते हैं अपना सेशन। कल अनफॉर्चुनेटली हमारी क्लास नहीं हो पाई थी ड्यू टू इंटरनेट इशू। ये इंटरनेट इशू पूरे यूपी में था और मतलब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, बट मैंने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए थे। पीडीएफ से आप पढ़ाई कर सकते थे, बहुत सारी न्यूज़ कवर करनी थी। आज भी हम बहुत सारी न्यूज़ कवर करने वाले हैं। सबको गुड मॉर्निंग, कविता, सिमनी, प्रियंका, पूजा, पूजा, सोनम, नायक जी, रुचि, सबको गुड मॉर्निंग। अभी गाइज 9:30 पर हम जो मिलने वाले हैं, तो 9:30 पर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लैरिकल के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जीए के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और इन 3 महीनों में हम कैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं उसकी बात करेंगे 9:30 पर। 1:30 पर हम फिर से मिलने वाले हैं और मैं इस बार आपको दिसंबर मंथ के सारे बैंकिंग अफेयर्स के एमसीक्यूज कराने वाला हूं। जनवरी में करा चुका हूँ लास्ट क्लास में और कल मैं मतलब आज 1:30 में मैं आपको दिसंबर मंथ के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ बैंकिंग के। चलिए, बैंकिंग मतलब बैंकिंग करंट अफेयर्स। आप मुझे अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप चाहें तो अनअकैडमी प्लस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करने का मतलब होता है कि आपको वैराइटीज ऑफ एजुकेटर्स मिल जाते हैं, ढेर सारे एजुकेटर्स मिल जाते हैं। अगर आप एक साल देखेंगे तो एक साल की फीस किसकी है? एक साल की फीस 6,000 रुपए है, लेकिन आप एम लाइव कोड डालकर या किसी का भी कोड डालकर 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, आपकी फीस कम हो जाएगी। ये एक साल की फीस हमारी है। और गाइज, ऐसे बच्चे जो कि अनअकैडमी को 2 साल के लिए फॉलो करना चाहते हैं, 2 साल के लिए आपकी फीस 9,600 रुपए है, लेकिन आप 10% का डिस्काउंट यहां भी ले सकते हैं 10% का, अगर आप एम लाइव कोड डालते हैं, किसी का भी कोड डालते हैं, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। कंप्यूटर जी मुझसे थोड़े से नाराज से रखते हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। प्लीज भाई, कल भी बेइज्जती हो चुकी है, आज मत कराइए। हाँ, मुझे मालूम था, मुझे एक मिनट दीजिए, थोड़ा सा इनसे भी निपटना पड़ेगा वरना सेशन हमारा उतना अच्छा नहीं जाएगा। प्रेरणा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया भैया के, हाँ, और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपके पास ना हो तो डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर से मिल जाएगा आपको, और लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद चूज योर गोल ऑप्शन में जाकर आपको अगर बैंक की तैयारी करनी है तो आप बैंक एग्जाम पे क्लिक कर सकते हैं, यहां से आप बैंक के डोमेन में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं अपना करंट अफेयर्स। और ये चीजें क्या हैं? ठीक है, स्लाइड्स पर। ओके ओके, कंप्यूटर जी हमारे जो हैं वो थोड़े से, हाँ ठीक है। तो अभी हम क्या बात करेंगे, अभी हम 22 जनवरी करंट अफेयर्स की बात करेंगे और उसमें क्या क्या पॉइंट है देखते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग कहां से करेंगे? स्टार्टिंग हम करेंगे जियोपॉलिटिक्स से, और जियोपॉलिटिक्स में हम किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं इंडिया की और नेपाल। क्या मतलब इसका है, आइए देखिए। यहां पर आपके सामने न्यूज है, पीएम मोदी इनॉग्रेट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एट जोगबनी विराटनगर। जोगबनी विराटनगर, जोगबनी इंडिया में आता है, विराटनगर जो है वो नेपाल में आता है। जोगबनी और विराटनगर के बॉर्डर पर एक नया चेक पोस्ट, दूसरा चेक पोस्ट को बनाया गया है और इसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया। ये चेक पोस्ट क्यों बनाए जाते हैं? गाइस सिंपल सी बात है, अगर आपको नेपाल में जाना है फॉर ट्रैवलिंग, फॉर टूरिज्म, फॉर बिजनेस पर्पस, तो आप जाओगे वहां पर या वहां से लोग आएंगे तो वो क्या लेके आ रहे हैं? क्या कोई इलीगल आइटम्स लेके आ रहे हैं? क्या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, मतलब बॉर्डर के थ्रू? तो चेक पोस्ट बनना बहुत जरूरी है। तो ये चेक पोस्ट जो है, ये चेक पोस्ट इन सब चीजों से बचाएगा, कोई इलीगल चीज की स्मगलिंग हो रही है या फिर फॉर एग्जाम्पल कोई टेररिस्ट हमारे देश में आ जा रहा है, चेक पोस्ट होना बहुत जरूरी है। तो इंडिया ने और नेपाल ने मिलकर चेक पोस्ट बनाया है। चेक पोस्ट की कॉस्टिंग कितनी मैं आपको वही बताऊंगा। ये आपको याद रखना है कि किस बॉर्डर पे, जोगबनी एंड विराटनगर, जोगबनी इंडिया, विराटनगर नेपाल। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो पीएम मोदी ठीक एंड हिज नेपाली काउंटर पार्ट केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, आपको बताइए, ज्वाइंटली इनॉग्रेटेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द सेकेंड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बिल्ट विद द जोगबनी विराटनगर टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड पीपल्स मूवमेंट, पीपल्स मूवमेंट एंड ट्रेड। वही मैंने जो बोला आपसे, फॉर द बिजनेस पर्पज, फॉर द पीपल्स मूवमेंट, आपको ट्रैक करना ईजी हो जाएगा कौन जा रहा है कौन आ रहा है। ठीक, तो जोगबनी विराटनगर, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। एक पहला पॉइंट हमारा ये है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, द फर्स्ट मतलब पहला जो है वो 2018 में चेक पोस्ट लॉन्च हुआ था, जो कि रक्सौल और
बिरगंज नेपाल में पड़ता है, उसके बीच में था रक्सौल और बिरगंज। तो ये हमारा दूसरा चेक पोस्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और अगर आगे बढ़े हम देखिए यहाँ पे, तो आईसीपी विराटनगर मतलब जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, आईसीपी का मतलब क्या हुआ, आईसीपी का मतलब हुआ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। तो आईसीपी विराटनगर जो बना है ये टोटल 140 करोड़ की लागत से बना है और 260 एकड़ में ये बना है पूरा। आपके बोलेंगे सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो एग्जाम में सिंपल से क्वेश्चन आएंगे कि अभी इंडिया ने और नेपाल ने एक चेक पोस्ट का इनॉग्रेशन किया, ये चेक पोस्ट कौन से नंबर का है, दूसरे नंबर का है, ये चेक पोस्ट कितने कॉस्ट से बना 140 करोड़, ये चेक पोस्ट किसके किसके बीच में है, तो जोगबनी और विराटनगर के बीच में है। बस ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होना चाहिए कितने एकड़ में बना, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी 260 एकड़ आपको यहां पर इंफॉर्मेशन दे दी गई। हम बात कर रहे हैं नेपाल की और इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेपाल के बारे में थोड़ी सी स्टैटिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। नेपाल की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी काठमांडू है, ये तो आपको पता ही है। प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी है, ये भी आपको पता है। वाइस प्रेसिडेंट नंदन किशोर पुन है, ये भी देख लीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, ये भी आपको पता ही है नेपाल के बारे में। अगर आगे बढ़े चीफ जस्टिस, तो ये जो चीफ जस्टिस है इनका अपॉइंटमेंट इसी साल हुआ है, तो करंट अफेयर्स का पॉइंट भी बन सकता है। तो ये है चोलेंद्र शमशेर जंग बहादुर राणा। शमशेर जंग बहादुर राणा ये ऐसा नाम है कि आप जल्दी भूलेंगे नहीं, आप आराम से याद कर लीजिए। इंडिया के एम्बेसडर नेपाल में कौन है, मंजीव सिंह पुरी है। और नेपाल के एम्बेसडर इंडिया में कौन है, नीलंबर आचार्य। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान देने हैं, एम्बेसडर के पॉइंट याद कर लीजिएगा, मे बी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, ठीक है। हाँ, साउथ एशियन गेम्स भी हुए, बिल्कुल सही बोला आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की थोड़ी बात कर लेते हैं, जिसे हम डेप्थ एनालिसिस भी बोल सकते हैं। पीएम मोदी जी ने अभी इनॉग्रेशन किया, आपने देखा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इंडिया नेपाल बॉर्डर पे। दो तीन महीनों के अंदर अंदर इन्होंने और किसका किसका इनॉग्रेशन किया वो देख लीजिए। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ऑफ द मालदीव इब्राहिम मोहम्मद सालेह ज्वाइंटली इनॉग्रेटेड फोर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन मालदीव। इंडिया ने और मालदीव ने मिलकर मालदीव में चार इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया, फोर। ये चार कौन कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे वो देखिए। तो पहला 3 फिश प्रोसेसिंग प्लांट, यानी इंडिया की हेल्प से मालदीव में 3 फिश प्रोसेसिंग प्लांट बनाए जाएंगे। दूसरा लॉन्च ऑफ रुपे कार्ड, तो मालदीव में रुपे कार्ड भी लॉन्च किया गया, दूसरा पॉइंट। तीसरा लाइटनिंग अप ऑफ माले विथ एलईडी लाइट, यानी माले में हर रोड हर गली पर एलईडी लाइट इंडिया लगाएगा, लाइटनिंग होगी उसकी। तीसरा और चौथा द फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट कामयाब गिवन टू द मालदीव। इंडिया ने हमारा एक पेट्रोलिंग एक व्हीकल जिसका नाम कामयाब था उसे मालदीव को गिफ्ट दिया, ये कामयाब वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको ध्यान देना होगा कि इंडिया ने मालदीव में अभी 4 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया, वो 4 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कौन है। तो पहला हो गया फिश प्रोसेसिंग यूनिट, 3 बनाए जाएंगे। दूसरा रुपे कार्ड लॉन्च किया जाएगा, तीसरा एलईडी लाइट्स लगाई जाएंगी और चौथा आपके सामने है कामयाब इंटरसेप्टर हमारा जो व्हीकल, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ इंडिया ने मॉरिशस में भी 2 चीजों का इनॉग्रेशन किया, एक इंडिया वहां पर मेट्रो एक्सप्रेस सर्विस बना रहा है और दूसरा ईएनटी हॉस्पिटल। तो नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जुगनाथ, ये भी पॉइंट आपको ध्यान देना है, ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक रिवीजन भी कर लिया, इंडिया मॉरिशस इंडिया मालदीव और अभी इंडिया और नेपाल की हम बात कर रहे थे। तो पहली न्यूज यहां पर हमारी कंप्लीट होती है, हम आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे स्पोर्ट्स की न्यूज की बात करते हैं और यहां पर हम रैंकिंग की बात करने वाले हैं। तो अभी ओडीआई रैंकिंग आई, ओडीआई बैट्समैन की, ओडीआई बॉलर की एंड ओडीआई टीम की। ओडीआई बैट्समैन में प्राउडली मैं कह सकता हूं कि इंडिया ने डोमिनेट किया है, पहले और दूसरे नंबर पर विराट कोहली और रोहित शर्मा है, तीसरे पे पाकिस्तान के बाबर आजम है, यानी कि पूरे एशियाई जो टीम्स हैं उनका प्रभुत्व है ओडीआई रैंकिंग में। और इफ वी टॉकिंग अबाउट द बॉलर रैंकिंग देन जसप्रीत बुमराह इज ऑन फर्स्ट रैंक, यानी कि बैट्समैन में भी इंडियन प्लेयर और बॉलर में भी इंडियन प्लेयर, बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम टीम की बात करेंगे तो इंडिया ऑन सेकेंड नंबर, इंडिया दूसरे नंबर पर, पहले पे इंग्लैंड है। फिर भी हम अच्छा कर रहे हैं और हम इस पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी टीम बन रहे हैं, टेस्ट में हम बन चुके हैं, वनडे में बस बन जाएंगे, है ना। देखिए आईसीसी मेंस ओडीआई बैटिंग रैंकिंग की बात करें, विराट कोहली पहले नंबर पे, रोहित शर्मा दूसरे नंबर पे, बाबर आजम तीसरे नंबर पे, यानी इंडिया पाकिस्तान मतलब एशिया, है ना। और अगर हम बात करें आईसीसी मेंस ओडीआई बॉलिंग रैंकिंग की, तो जसप्रीत बुमराह पहले पे एंड ट्रेंट बोल्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड,
ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, ये दूसरे नंबर पे हैं, ठीक। और अगर हम टीम की बात करेंगे तो इंग्लैंड नंबर 1 पर है और इंडिया नंबर 2 पर है। इंटरनेट नहीं यार, इंटरनेट अभी सुबह आया, तो सुबह आया है तो सुबह में जितनी देर में मैं बना पाया हूं करंट अफेयर्स उतना ही मैं बना पाया हूं, तो टाइम थोड़ा कम मिला है, फिर भी मैंने कोशिश की है बनाने की पूरी की पूरी। आइए रिपोर्ट और इंडिसेस की बात करते हैं गाइस। मैंने कल भी आपको पीडीएफ में रिपोर्ट और इंडिसेस पर न्यूज दिया था और आज भी मैं आपको दे रहा हूं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट, इंडिया रैंक्स 5th। गाइस ये कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट क्या है? देखिए आपको बताया गया इसकी यूनाइटेड नेशंस के 17 गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, उसमें एक पॉइंट है पॉल्यूशन कंट्रोल करना, और इसके तहत यूएन ने हर देश की कंपनी से बोला हुआ है कि आपने कितना कार्बन एमिट किया आपको उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो हर देश की जितनी कंपनियों ने अपना यह डिस्क्लोजर दिया कि हमने इतना कार्बन एमिट किया उसके हिसाब से रैंकिंग बनी है और इंडिया 5वें नंबर पर आया है। तो किस देश की कितनी कंपनी ने अपना बताया है नाम कि भाई हम लोगों ने इतना इतना कार्बन एमिट किया है, डिस्क्लोजर की बात हो रही है, उसके बेस पर यह रैंकिंग बनी है। आइए बात करते हैं आपसे। पहला पॉइंट देखिए रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम है कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट। रिपोर्ट का नाम कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट। यह रिपोर्ट रिलीज किसने किया है? यह रिपोर्ट रिलीज किया है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव ने। ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव ने टॉप किसने किया है? टॉप किया है यूएस ने। यूएस की टोटल 135 कंपनीज ने डिस्क्लोज किया कि भाई हम कार्बन एमिट करते हैं इतना इतना। तो एक पॉइंट आपके सामने, मतलब यूएस ने टॉप किया इसमें, ठीक। सेकेंड रैंक पे जापान है, जापान की 83 कंपनीज ने बोला है कि भाई हम कार्बन इतना इतना एमिट करते हैं। तीसरे पे यूके है 78, चौथे पे फ्रांस है 51 और पांचवे पे इंडिया है 38। बहुत सारी वेबसाइट्स पर आपको ये 58 दिखेगा लेकिन वो गलत है, इंडिया की 38 कंपनीज ने डिस्क्लोज किया है, इंडिया 5वें नंबर पे है, ये भी पॉइंट हमने आपको बता दिया। प्रवेश से थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये रिपोर्ट और इंडिसेस पे हमारा एक पॉइंट था आपके सामने, याद कर लेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर वेरियस रैंकिंग की पीडीएफ दी हुई है, वो आप वहां पर जाकर रिवाइज कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ पड़ी हुई है, ठीक है। आइए समिट इवेंट और मीटिंग की बात करते हैं। समिट इवेंट और मीटिंग में हम सबसे पहले बात करेंगे एनआईसी। एनआईसी ऑर्गेनाइजेस टेक कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली ऑन टेक्नोलॉजीज फॉर नेक्स्ट जनरेशन गवर्नेंस। गाइस आपको पता ही है कि हमारे देश में जब से इंटरनेट रेवोल्यूशन आया है हमारे देश में ई गवर्नेंस भी बढ़ गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई गवर्नेंस? गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? गवर्नेंस का मतलब होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट की सब्सिडी वाले स्कीम जो आप तक डायरेक्टली पहुंच रही है। इंटरनेट गवर्नेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो हमारे देश में इंटरनेट गवर्नेंस बढ़ता जा रहा है, उसी को लेकर एक कॉन्क्लेव हुआ। आइए आपको पूरी बात आगे दिखाते हैं। नहीं, कॉन्क्लेव का नाम क्या था? कॉन्क्लेव का नाम था टेक्नोलॉजीज फॉर नेक्स्ट जनरेशन गवर्नेंस। यानी नेक्स्ट जनरेशन का मतलब कि गवर्नेंस में हम टेक्नोलॉजी को कैसे ला सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे कमीशन कर सकते हैं। यह न्यू दिल्ली में हुआ, यह न्यू दिल्ली में हुआ। इसकी थीम क्या थी? थीम थी टेक्नोलॉजीज फॉर नेक्स्ट जनरेशन गवर्नेंस, वही जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है। इसका इनॉग्रेशन रविशंकर प्रसाद जी ने किया। क्यों किया? क्योंकि रविशंकर प्रसाद जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? आपको शायद पता होगा है ना कौन सी मिनिस्ट्री है। एक तो ये लॉ मिनिस्टर है लेकिन लॉ का इससे कोई लेना देना नहीं है, फिर ये कौन से मिनिस्टर बताइए मुझे कमेंट करके, ठीक है। अबाउट नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की बात कर ले, जो एनआईसी की हम बात कर रहे हैं, हम उसके बारे में बात कर ले। एनआईसी की, एनआईसी का फॉर्मेशन 1976 में हुआ। इसका देखो, अब देखो ध्यान से, एनआईसी का जो फॉर्मेशन था वो 1976 में हो गया था कि हमें ई गवर्नेंस करना है, लेकिन ये कैसे, ये कब शुरू हुआ? 2014-15 के बाद से। मतलब तो कहने का मतलब ये है कि चीजें इंप्लीमेंट करने में इंडिया में हमेशा लेट होता है। क्यों होता है देखना पड़ेगा, है ना। हेडक्वार्टर दिल्ली। एनआईसी की डायरेक्टर जनरल है नीता वर्मन, और इसका एनआईसी किसके अंडर में आता है? एनआईसी आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और रविशंकर प्रसाद जी इसी के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, तो ये भी आपको बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिजनेस फाइनेंस इकोनॉमी की बात करते हैं। और बिजनेस फाइनेंस इकोनॉमी में आपके लिए पहली न्यूज ये रही, अपोलो हॉस्पिटल अनविल्स हेल्थ ईएमआई कार्ड इन पार्टनरशिप विद बजाज फिनसर्व। अभी कुछ दिन पहले मैं आपसे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा था, याद करिए मैंने बोला आपसे ना कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट में अगर आपके पास कोई कार्ड है, कार्ड का मतलब मैंने बोला था बैंक कार्ड नहीं,
अगर कोई कंपनी कार्ड इश्यू करती है तो अब आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे और केवल कॉन्टैक्ट बेस्ड ट्रांजैक्शन ही कर पाएंगे। ये वही तो है, देखिए ना ये कार्ड आपको दिख रहा है, क्या बजाज फिनसर्व कोई बैंक है? नहीं, ये है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। आइए, हालांकि अगर बात करें तो ये एक क्या है, ये एक आपका मतलब जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड की तरह काम करेगा। ठीक है, देखिए अपोलो हॉस्पिटल अनविल्स हेल्थ ईएमआई कार्ड इन पार्टनरशिप विद बजाज फिनसर्व, यानी बजाज फिनसर्व मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप अपोलो हॉस्पिटल के एक कोई आप मतलब एक कस्टमर है, आप अपोलो हॉस्पिटल के पेशेंट हैं, आप वहां पर जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए, कभी कभी पैसे की दिक्कत हो जाती है, तो आपके पास अगर ये फिनसर्व का ये जो हेल्थ ईएमआई कार्ड है तो आप अपना पेमेंट एक साल के अंदर अंदर ईएमआई बेस पर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या मतलब है इसका, तो हेल्थ मतलब अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल ने अपना एक ब्रांड, एक को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया है, ईएमआई कार्ड इन पार्टनरशिप विथ बजाज फाइनेंस लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड के साथ। यानी कि मान लीजिए कोई पेशेंट गया अपोलो में जिसका 50,000 रुपए खर्च आया, अगर उसके पास ये कार्ड है तो वो पेमेंट कर देगा, यानी उसका पेमेंट कौन देगा? बजाज फाइनेंस। और अब कस्टमर को बजाज फाइनेंस को ईएमआई के थ्रू पैसा पे करना है। अच्छी बात क्या है कि ईएमआई पर कोई चार्जेस नहीं है आपके। देखिए द अपोलो हॉस्पिटल बजाज फिनसर्व हेल्थ ईएमआई कार्ड विल एनेबल यूजर ऑफ दिस को ब्रांडेड हेल्थ केयर कार्ड टू कन्वर्ट देयर मेडिकल एक्सपेंडिचर इनटू नो कॉस्ट ईएमआई दैट कैन बी रिपेड ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब समझ गया ना कि अगर आपके पास ये जो कार्ड है तो आप अपना पेमेंट कर दीजिए और बजाज फाइनेंस को आप एक साल के अंदर अंदर पेमेंट करते रहिएगा ईएमआई बेस पर। ये सिंपल से कहने का मतलब है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया, हम आगे बढ़ते हैं, अबाउट बजाज फिनसर्व की बात कर लें। तो बजाज फिनसर्व एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। ठीक, इसके फाउंडर थे जमन लाल बजाज, इसका हेडक्वार्टर पुणे में है, चेयरमैन है राहुल बजाज और एमडी सीईओ है संजीव बजाज, चेयरमैन राहुल बजाज, एमडी सीईओ संजीव बजाज। तो ये भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं गाइस, और बात करते हैं जोमैटो की। जोमैटो एक्वायर उबर ईट बिजनेस इन इंडिया। आपने शायद जोमैटो की सुविधाएं भी ली होंगी और आपने शायद उबर ईट की सुविधाएं भी ली होंगी। उबर ईट भले ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़ा ब्रांड है लेकिन इंडिया में जोमैटो से पीछे है, स्विगी से पीछे है। जोमैटो ने उबर ईट्स का पूरा बिजनेस एक्वायर कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अब जोमैटो और उबर ईट्स एक कंपनी बन गए हैं। क्या उबर कंपनी को इससे फायदा हुआ? जी हाँ, उबर कंपनी को अब जोमैटो में 9% नियर अबाउट 9% की शेयर होल्डिंग मिल गई, लेकिन उबर ईट का पूरा बिजनेस अब जोमैटो के अंडर में आ गया है। आइए देखते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। देखिए जोमैटो ने अनाउंसमेंट किया है कि उसने उबर ईट का जो बिजनेस इंडिया में है उसे एक्वायर कर लिया है। इस डील से उबर को यह फायदा हुआ है बस कि उबर का करीब करीब 10% मतलब 9.99% शेयर जोमैटो में उबर ईट्स को मिल गया। ठीक, लेकिन उबर ईट का पूरा बिजनेस जोमैटो के अंडर में चला गया। इसकी कॉस्ट अभी फाइनल नहीं हुई है तो 300 से 350 मिलियन डॉलर के बीच में आकी जा रही है कि इतना पैसा जो जोमैटो है वो उबर ईट्स को दे देगा और उबर ईट्स का जो पूरा पूरा बिजनेस है वो जोमैटो के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं इस पर। तो ये पॉइंट हमने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अबाउट जोमैटो। जोमैटो को 2008 में फाउंड किया गया था, हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और जोमैटो के फाउंडर और सीईओ कौन है? दीपेंद्र गोयल। ठीक, ये जोमैटो की हम बात कर रहे हैं। और अगर हम उबर ईट की बात करें तो उबर ईट को 2014 में फाउंड किया गया, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में इसका हेडक्वार्टर है एंड डारा खोर्सरोशही ये इसके सीईओ हैं। डारा याद कर लो, ये नाम तो आप याद कर नहीं पाओगे। तो उबर ईट्स के बारे में भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। आइए, मैंने गाइस कहा था कि इंटरनेट इशू था और मोबाइल से यूट्यूब पर क्लास नहीं बन पाती है। मोबाइल में भी आपको पता है कि 1 GB डेटा मिलता है डेली, 1.5 GB। तो कल करंट अफेयर मतलब क्लास थी मेरी हाथ में 10 से 12, तो मतलब इंटरनेट पैक दैट टाइम पे उतना काम नहीं किया और सुबह से इंटरनेट नहीं आ रहा था, तो जितना मिले मुझसे उपाय मैंने उतना बना दिया आपके लिए। ठीक है, देखिए आंध्र प्रदेश असेंबली पासेस बिल टू एस्टैब्लिश 3 कैपिटल।
तो आंध्र प्रदेश ने अपनी आंध्र प्रदेश विधानसभा में जो हमारे रेड्डी साहब हैं, इन्होंने एक बिल पेश कर दिया है। इस बिल का मतलब कि आंध्र प्रदेश में तीन तीन कैपिटल होगी। एक कैपिटल क्या होगी, देख लीजिए यहां पर, देखिए। तो अगर हम बात करते हैं थ्री कैपिटल, लेजिस्लेटिव कैपिटल अलग हो जाएगी, एग्जीक्यूटिव कैपिटल अलग हो जाएगी एंड जुडिशियल कैपिटल अलग हो जाएगी। विशाखापट्टनम को बनाया जाएगा एग्जीक्यूटिव कैपिटल, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉई हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी पूरी बैठने की जगह विशाखापट्टनम में होगी। अमरावती लेजिस्लेटिव, मतलब कि जो सरकार है वो अमरावती बैठेगी। और अगर हम कुर्नूल की बात करें, कुर्नूल को बनाया जाएगा जुडिशियल, जुडिशियल कैपिटल। जुडिशियल का मतलब समझ गए आप लोग, जैसे हाईकोर्ट्स होते हैं, हाईकोर्ट और ये सब कुर्नूल में चला जाएगा। हालांकि ये बिल विधानसभा में पेश हो गया, लेकिन अब इसको विधान परिषद में जाएगा ये बिल। और अनफॉर्चुनेटली विधान परिषद में वाईएसआर रेड्डी के केवल 6 या 7 ही एमएलए हैं, तो कहने का मतलब इट्स वेरी टफ, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने इसका बड़ा विरोध किया है। देखिए क्या होता है, क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड, प्रिंस हैरी एंड मेगन मार्कल साइन फॉर्मल डील टू एग्जिट फ्रॉम रॉयल फैमिली। तो प्रिंस हैरी और उनकी वाइफ मेगन मार्कल जो हैं, वो शाही परिवार से बाहर निकलने के लिए एक समझौते पे हस्ताक्षर कर दिए हैं। एग्जैक्टली में क्या होता है मैं आपको बताऊं, जिस परिवार ने पूरे विश्व पे राज किया, जिस परिवार ने यूके को यूके बनाया, मतलब हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के रॉयल फैमिली की, आज उनकी हालत थोड़ी सी मतलब दिक्कत वाली होती है। क्योंकि 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 भाई राजशाही तो है नहीं, और जो भी खर्चे होते हैं बर्मिंगम पैलेस के, मतलब उनके मतलब जो ये रॉयल फैमिली के, वो सब जनता के टैक्स से होते हैं। भाई डेमोक्रेसी है, बोलने की आजादी है, तो हमेशा जो पब्लिक है वो इनके खर्चों पर टॉन्ट करती है, कमेंट भी करती है कि भैया आप यहां घूम रहे हो हमारे टैक्स के पैसे। तो शायद प्रिंस हैरी को यह बात अच्छी ना लगी हो, और उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एक समझौता कर लिया कि अब हम शाही परिवार से अलग हो रहे हैं, मतलब कि जो हम पैसे खर्च करेंगे वो जनता के टैक्स से नहीं होगा, और जनता हमें ये बोल नहीं सकती। हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी है, हो सकता है कि जो ये पावर है ना, ये एक नशा होता है, पावर एक नशा होता है। और ब्रिटेन के राजघराने में रहते हुए आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते हो सकता है कि असली पावर पाने के लिए ये किया गया हो। इन फ्यूचर आज से 5 साल के बाद आप देख सको कि प्रिंस हैरी इलेक्शन लड़ रहा है, ये भी हो सकता है। तो देखिए क्या होता है, फिलहाल आइए बात करते हैं। तो प्रिंस हैरी एंड हिज वाइफ मेगन मार्कल, इन्होंने ब्रिटेन की रॉयल फैमिली से अलग होने के लिए प्रॉपर एक फॉर्मल एग्जिट डील पे साइन कर दिया है। और इसके हिसाब से आने वाले कुछ महीनों में हम ये देख पाएंगे कि मतलब अब कोई भी इनको यूके के जो टैक्स फंडिंग, जो टैक्स पे करते हैं, उनकी फंडिंग इनको नहीं मिलेगी। ठीक है, आप देख लीजिए यहां पर। वैसे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं, मेघालय की बात करते हैं। मेघालय सेलिब्रेट 48th स्टेटहुड डे। तो मेघालय ने कल अपना 48वां राज्य दिवस मनाया। मेघालय 1972 में एक स्टेट के रूप में असम से अलग हुआ था, और मेघालय ने अपना 48वां स्टेटहुड डे मनाया कल, 48th एनिवर्सरी 1972। मैंने आपसे बोला है 1972 में मेघालय स्टेट बना था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सिर्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें। 12वां नेशनल ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम ये पांडिचेरी में हुआ, पांडिचेरी में। और आप इनको देख पा रहे हैं, इनको आप जानते ही होंगे कौन है ये, है ना। तो पांडिचेरी में हुआ, पांडिचेरी की गवर्नर, आइए देखते हैं। तो 12th नेशनल ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम बिगिंस इन पांडिचेरी, और इसका इनॉग्रेशन पांडिचेरी की गवर्नर डॉक्टर किरण बेदी जी ने किया। तो ये देख लीजिएगा, और कुछ इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ भावनाओं में भावना वाली बात है, वो आप समझ लेंगे। तो 12वां नेशनल ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कहां पर हुआ, पांडिचेरी में हुआ, किरण बेदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने भारत की ग्रोथ रेट को 4.8% बोला। मैंने कल बड़े मजेदार चीज फेसबुक पर देखी, मैंने देखा कई लोग हैं जिसमें से हमारे ही कुछ भाई बंधु हैं, कुछ एजुकेटर भी हैं, तो उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला, IMF ने भारत की ग्रोथ रेट को 4.8% किया है, गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक। और ये जो पोस्ट है, कम से कम मेरे ख्याल से 50 लोग को मैं से जानता हूं जिन्होंने इसी पोस्ट को अपनी भाषा में एडिट करके डालना शुरू किया। एक ट्रेंड है, लोग दिखाना चाहते हैं वो कितने रिस्पॉन्सिबल हैं और कितना ज्यादा वो इकोनॉमी को समझते हैं, कि वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 4.8, हाँ गवर्नमेंट को आंसर देना चाहिए।
लेकिन इसके पहले भी फिच ने, मूडीज ने, इकरा ने, उन्होंने भी ग्रोथ रेट गिराई थी. एंड मतलब किसी ने 4.6, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 4.6 बोला. कहने का मतलब, किसी को फॉलो मत करो कभी भाई. बी ओरिजिनल, तुम्हारे अंदर जो चीजें हैं उसे बाहर लाओ. मैं ये हमेशा आपको भी बोलता हूं, जो आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, आप किसी को फॉलो मत करिए यार. आप बेस्ट हैं, यकीन मानिए आप बेस्ट हैं. आपके अंदर जो चीजें हैं उसे समझिए ना यार. आपको किसकी समझ है, किसकी समझ नहीं है. किसी ने बोला मैं रात भर मैथ पढ़ता हूं और मैं शाम को जीए पढ़ता हूं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप भी कर सको. हो सकता हो कि आप रात में ना पढ़ते हो, आपको नींद आती हो. आप सुबह पढ़ लीजिए, दोपहर में पढ़ लीजिए. अपने अपने हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस को देखते हुए आप अपॉर्चुनिटीज सेट करिए. आपकी देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी क्वांट बहुत अच्छी नहीं है या आपके पास उतना टाइम नहीं है, आप मत जाओ एसएससी के लिए, आप बैंकिंग के लिए जाओ. आपको जीएस नहीं पढ़नी है, आप बैंकिंग के लिए जाओ. आपका क्वांट जो रीजनिंग जो है वो, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप नहीं कर पाते हो, आप क्वांट नहीं कर पाते हो, स्टेट लेवल एग्जाम में चले जाओ. अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस सबको पता होती है, और आपको फॉलो करना है तो अपने आप को ही फॉलो करना है. आप कितने टाइम में क्या टारगेट सेट कर रहे हो और उसे आप अचीव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, यह चीज आपको देखनी होगी. तो किसी को फॉलो मत करिए. अगर किसी ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाल दिया कि गवर्नमेंट को रिप्लाई देना चाहिए, तो भाई आप उस समय क्यों नहीं बोले जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कम किया. वाई आई एम एफ, ये तो बाहर के लोग हैं. जब देश के लोग बोलते हैं तो उसकी बात क्यों नहीं करते हैं आप? मतलब क्या कि गोरी चमड़ी हमेशा सही बोलती है क्या? ध्यान दीजिएगा इस चीज को. फिलहाल जो आपके सामने है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कट इंडिया फाइनेंशियल ग्रोथ फोरकास्ट टू 4.8%. आईएमएफ ने ये मैंने 15 एक्चुअली क्या है कि गूगल ट्रांसलेट से कभी कभी दिक्कत हो जाती है, तो इसको मत फॉलो करिएगा आप लोग, ठीक है? चलिए, तो 4.8% है गाइस, इतना आपको पता है, इतना आपको बता दिया गया, ठीक है? चलिए अब बात करेंगे एमसीक्यूज की. क्वेश्चंस आपके सामने. आईएमएफ इज नॉट कंपनी अंशुल, आईएमएफ इज ऑर्गेनाइजेशन. पहला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर. तो पहला क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल द विनिंग सिक्सर लीडरशिप लेसन टू मास्टर, रिलीज बाय अनिल राधाकृष्णन, मतलब अनिल कुंबले ने लॉन्च किया. बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं. आंसर इज WV रमन. WV रमन हमारे देश के एक ओपनर थे, मतलब क्रिकेटर थे ये भी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग दीज हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी. कल मैंने आपको पढ़ाया ये चीज. एंड द आंसर इज जेपी नड्डा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. पॉलिटिशियन शमशेर सिंह सुरजेवाला पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज इलेक्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी. आंसर की बात कर लेते हैं, देखते हैं. एंड द आंसर इज हरियाणा, नरवाना, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर. वेरी गुड. Who has been appointed as the joint secretaries of Department of Military Affairs? Department of Military Affairs एक नया department है जिसको lead करेंगे हमारे देश के Chief of Defence Staff बिपिन रावत जी. उसमें भारत सरकार की तरफ से joint secretary कौन appoint हुए, दो लोग. And the answer is Rajiv Singh Thakur and Shantanu. राजीव सिंह ठाकुर एंड शांतनु. हाँ, बी ऑप्शन. जैकलीन विलियम्स बिकम द फर्स्ट वुमेन थर्ड एम्पायर इन मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, शी बिलोंग टू विच कंट्री. इंडिया, सॉरी, वेस्ट इंडीज और आयरलैंड के बीच में जो 3 T20 हुआ उसमें ये थी, और ये कल के हमारे PDF में था. ये जमैका की है. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. इंडिया रिसेंटली टेस्ट फायर्ड न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल K4 which is under development by DRDO. What is the maximum range of the missile? INS Arihant को और भी strong किया जा रहा है, और भारत चौथा देश बन रहा है जिसके पास इतने रेंज की मिसाइल आ चुकी है, 3500 किलोमीटर, जिसे हम समुद्र के अंदर से फायर कर सकते हैं. बहुत बड़ी कामयाबी है ये. Which country topped in the World Economic Forum's report, the Global Social Mobility Report 2020, Equality, Opportunity and a New Economic Imperative?
कल मैंने पीडीएफ में ये इंफॉर्मेशन दी आपको गाइस. एंड देन सर डेनमार्क ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर. इंडिया 76, इंडिया 76. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट द ग्लोबल. चलिए आंसर दीजिए आप लोग, बताइए रहो इंडिया 76, तो इंडिया इज ऑन 76, बिल्कुल सही आंसर. रथ चनूक इन टैनन हैज वॉन द इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर 2000. शी इज लेडी वुमेन सिंगल टाइटल. शी इज फ्रॉम विच कंट्री. मैंने कल आपको ये न्यूज दी थी, इन्होंने कैरोलिना मरीन को हराया, याद है शायद आपको. हाँ, थाईलैंड से बिलोंग करती हैं. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. वेयर डिड इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर द सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल K4 रिसेंटली. कहां से लॉन्च हुआ? अभी हमने आपसे रेंज पूछा, अब हमने आपसे पूछा कहां से लॉन्च हुआ. डेवलप बाई DRDO. अंशुल बोल रहे हैं कोची और बड़े खुश हैं, शायद गलत इनका आंसर. कविता बोल रही है कोची, एंड द आंसर इज विशाखापट्टनम. ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर. चलो कविता मत फॉलो करो अंशुल को, सिंधी क्या है भैया. सोनम का सही आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी मेडल्स हैव वॉन बाई इंडिया इन UWW रोम रैंकिंग सीरीज 2020. मैंने कल आपको इसकी पूरी न्यूज दी थी. इंडिया ने टोटल 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता, मतलब कि टोटल 7 मेडल. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, एज पर द डेटा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नियरली रुपीज दिस अमाउंट हैज बीन डिसबर्स टिल डेट अंडर द स्कीम ऑफ प्रोवाइडिंग लोन टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस विद इन 59 मिनट. आंसर क्या होगा? आंसर इज 70,000 करोड़. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडिया वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये तो बता देंगे आप लोग. एंड द आंसर इज SK सैनी. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड फॉर्मर अपेक्स कोर्ट जज जस्टिस नाम बताइए एज द चेयरमैन ऑफ द रोड सेफ्टी कमेटी. ये रोड सेफ्टी कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाई है एग्जैक्टली में, तो इसको लीड कौन करेगा ये आपसे पूछा गया. हाँ हाँ कविता देख लिया कमेंट देख लिया. हरी सालवे रीच टू अंशुल, डिलीट क्या कर रहे हो बे, देख रहे कमेंट तुम्हारा. और शशि रंजन सार के भी हरी सालवे ही बोले, पढ़ाई आजकल बिल्कुल नहीं हो रही तुम लोग की ना. आंसर इज अभय मनोहर सप्रे. हरी सालवे कहां यूके में महारानी के एडवोकेट बने हैं, तुम लोग कहां उनको रोड सेफ्टी फंसा रहे हो भाई. नेक्स्ट पॉइंट, विच इंडियन सिंगर हैज बीन चूजन फॉर द 2017 नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश. कल मैंने आपको पीडीएफ में इंफॉर्मेशन दी है. और आंसर की बात कर ले, आंसर इज सुमन कल्याणपुर. ऑप्शन नंबर सी. कल किसी ने मेरा पीडीएफ नहीं पढ़ा, ये मैं समझ गया हूं. नेक्स्ट पॉइंट, विच इंडियन म्यूजिक कंपोजर हैज बीन चूजन फॉर द 2018 नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड ऑफ द स्टेट चूजन फॉर द. इस दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है? अच्छा 17 का ये 18 का मैं पूछ रहा हूं. ठीक है मैंने बताया है. हाँ स्विटी, मतलब मैं उनको बोल रहा हूं जो गलत आंसर दे रहे हैं. एंड द आंसर इज कुलदीप सिंह. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, विच टू विलेज आर सेट टू बिकम इंडिया फर्स्ट मॉडल स्पोर्ट्स विलेज. तो आपका ITM गाजियाबाद जो इंस्टीट्यूट है वो इसे डेवलप कर रहा है बेसिकली. सिन्नी कोई बात नहीं बेटा, छोटा सा दिमाग है, कितना पढ़ोगी तुम, कितना याद रखोगी, है ना. हाँ बिल्कुल सही आंसर. एंड बदरपुर एंड खेरी वीरान ये 2 विलेज बनाए जाएंगे स्पोर्ट्स विलेज. ऑन विच डेट नेशनल इम्यूनिटाइजेशन डे इज ऑब्जर्व. नहीं बेटा रमा, बदरपुर वहां दिल्ली में भी है, मेरे एक सर वहां रहते हैं. एंड द आंसर इज 19 जनवरी. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. ओके थैंक यू सो मच गाइस. कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हमसे रह गई होगी वो हम कल के CMA कवर कर लेंगे एक्स्ट्रा हाईलाइट में या फिर MCQs में, परेशान मत होइएगा.
थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं 9:30 पर फॉर द टिप्स एंड द ट्रिक्स एंड द स्ट्रेटजी टू क्रैक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल फॉर SBI क्लरिकल एंड GA, ठीक है, एंड 1:30 पर हम मिल रहे हैं फॉर द बैंकिंग करंट अफेयर्स दिसंबर मंथ. थैंक यू सो मच.